समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन भी लखनऊ में पार्टी की मीटिंग में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की और कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों की वजह से जीत हुई है, सपा देश के तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी है। मुद्दे यही थे कि पार्टी ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस इस बार दिया है, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो उसी के लिए सबको, ये हमारी पार्टी के लिए बहुत खुशी का दिन था। और सभी नेतागण और जो कार्यकर्ता हैं और जो भी नव निर्वाचित सदस्य जीत कर आए, सभी को अध्यक्ष जी ने मुबारकबाद दी और प्रोत्साहन दिया कि सदन में किस तरीके से हम लोगों को पार्टी के लिए काम करना है। तो आज बहुत खुशी का दिन है हम सभी के लिए, बड़ी जीत पार्टी ने हासिल की है। देखिए जिस तरीके के परिणाम आए, पीडीए ने जबरदस्त परिणाम दिए हैं और हमें बहुत खुशी है कि हम इतनी बड़ी जीत, यूपी में सबसे बड़ी जीत हमारी पार्टी को मिली है और देश भर में तीसरी बड़ी जीत। तो ये पीडीए के ही स्लोगन से हम इस जीत को और पीडीए के तर्ज पर जो टिकट बटे हैं उसी से हम ये जीत हासिल कर पाए हैं। और मीटिंग में भी यही बात रखी गई कि अभी ये शुरुआत है, आगे हमें बहुत पीडीए की लड़ाई को आगे तक लेकर जाना है। देखिए महिलाओं के, सबसे पहले तो भाजपा सरकार ने महिलाओं की जो रसोई है उसका बजट बिगाड़ने का काम किया है और साथ ही में जो बिल पास हुआ है वो अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। तो पिछली बार से महिला सदस्य 4 घटी हैं इस बार, तो ये विचार सोचने का विषय है हम सभी के लिए। और जब तक कानून लागू नहीं होंगे मुझे नहीं लगता कि बेहतर इसमें हो पाएगा। तो कानून लागू होना चाहिए तभी ज्यादा से ज्यादा महिलाएं संसद तक पहुंच पाएंगी।